ज्ञान मोती ग्रुप की एक नई प्रस्तुति। आइए सुनते हैं आज का अव्यक्त ज्ञान मोती। आज बाबा ने एक बहुत गहरी बात को स्पष्ट किया कि कैसे वर्तमान समय आप जो भी कर्म कर रहे हो वह भविष्य के लिए एक कानून बन रहा है, एक नियम बन रहा है। यानी आपका एक एक शब्द, एक एक संकल्प भविष्य का लॉ बन रहा है। तो अपने ऊपर कितना ध्यान देना चाहिए। बाबा ने कहा, जो लॉ मेकर्स होते हैं वह बड़े सोच समझकर ही शब्द बोलते हैं। तो बच्चों को भी आज से इस बात पर विशेष ध्यान देना है, अगर कभी कोई का विचार स्पष्ट ना भी हो तो भी उनको ना नहीं करनी चाहिए, शब्द सदैव हाँ निकलना चाहिए। बाबा के यह महावाक्य अंडरलाइन करने वाले हैं। फिर से सुनिए बाबा ने क्या कहा। अगर कभी कोई का विचार स्पष्ट ना हो तो भी उनको ना नहीं करनी चाहिए, शब्द सदैव हाँ निकलना चाहिए। जब यहाँ हाजी करेंगे तब वहाँ सत्युग में भी आपकी प्रजा हाजी हाजी करेगी, और अगर यहाँ नाजी नाजी करेंगे तो वहाँ भी प्रजा दूर से ही प्रणाम करेगी। तो इस ना शब्द को अपने जीवन से निकाल देना है। हाजी कहना ही दूसरे के संस्कार को सरल बनाने का साधन है और यही सम्मानीय मूर्त बनने की विधि है। लेकिन कैसे, बाबा ने वो भी सुनाया। कोई चीज लेने से मिलती है और कोई चीज देने से मिलती है, अर्थात कुछ बातों में दान देना ही लेना है। तो अगर आपको सम्मान प्राप्त करना है तो वह लेने से नहीं देने से मिलेगा, अर्थात कोई को भी सम्मान देना गोया सर्व का सम्मान लेना है। और अब यह एक बहुत अच्छी वीडियो भी जरूर देखें।